गुड मॉर्निंग। और आज है 24 सितंबर और आज हो गया मुझे थोड़ा लेट क्योंकि मुझे लगा 9 बजे से क्लास होगी और क्लास एक्चुअली है 8 बजे से, वो भी लेक्चर है फिजियोलॉजी का। और मैं उठी हूँ 7:40 पे, मैं गई हूँ फ्रेश हुई, मेरे बाल भी ऐसे ही हैं कुछ, ठीक है। और बट हाँ, पहले मैंने बेड अपना बेड सही किया है तो मेरा बेड रेडी है क्योंकि मैंने एक अच्छी आदत मतलब सोचा मैंने एक अच्छी आदत डालते हैं कि बेड पहले सही करना होता है। तो मैंने ब्रश कर लिया है, मुझे बस मैंने ब्रश कर लिया है, मैं फ़्रेश हो गई हूँ और मुझे बस अब लेगिंग्स डालना है, अपना एप्रन पहनना है, शूज़ पहनना है एंड बाल झाड़ना है, देन आई विल बी रेडी टू गो। और हाँ, जाते वक्त नाश्ता कुछ कर लूँगी, जाते वक्त मैं कैंटीन चले जाऊँगी, कैंटीन तो है नहीं, मेस चली जाऊँगी, मेस से कुछ ले लूँगी, पराठे पराठे हाथ में ही खाते खाते निकल जाऊँगी। मिलते हैं आपसे लेक्चर के बाद, ठीक है, बाय। तो मैं हो गई हूँ ऑलमोस्ट रेडी, ओके, मैं हो गई ऑलमोस्ट रेडी और मुझे अपना चश्मा पहनना है। चश्मा कहाँ है मेरा? ये मेरा चश्मा कहाँ गया? चश्मा लगता है मैंने बाहर उस पर छोड़ दिया। तो मुझे बस चश्मा पहनना है, बैग पैक कर लिया मैंने, बॉटल भरनी है, जूते पहन लिए मैंने, दिख रहे हैं आपको, जूते पहन लिए मैंने। और मुझे नहीं लगता मुझे नाश्ता करने का टाइम मिलेगा तो मैं नाश्ता नहीं करने जाऊंगी, मैं पानी पी लूँगी और कुछ तो नहीं करना है ना, नहीं। तो आई एम रेडी टू गो और लेक्चर के बाद आपसे मिलते हैं, ठीक है, बाय। तो मैंने कर दिया अपना रूम लॉक। अरे तुम लोग कहीं क्या बैठो? LT खुला नहीं है तो इतना जल्दी तैयार होने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये बाकी और लोगों को पता नहीं आना होगा कि नहीं, तो इस वजह से नहीं ले रहे। ठीक है, तुम ठीक हो, तुम लोग ठीक हो? YouTube पे आने से ऐसे देखो क्या हो गया। ये मेरा पूरा बैच LT के बाहर खड़ा हुआ है क्योंकि LT खुली नहीं है। देखो उधर भी बहुत सारे बच्चे, मैं उधर जा नहीं रही, तो शायद अभी LT खुल गया है तो हम वहाँ जा रहे हैं। क्या कर रहे हो? YouTube पे वीडियो बना रहे हैं। अच्छा हाँ लास्ट। तो हम लोग LT में पहुँच चुके हैं और अभी सर नहीं आए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं ना, सर आ रहे हैं और हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। हमारी क्लास देखो ऑलमोस्ट भर चुकी है। तो अब आपसे लेक्चर के बाद मिलते हैं, बाय। हमारा एनाटॉमी का लेक्चर हो गया है ख़त्म और हम जा रहे हैं DH। फिलहाल हमारा पूरा बैच जा रहा है DH डायसेक्शन हॉल। हमारी भाई है, बहुत सही बना दिया या। तो चलिए आपको DH ले चलते हैं अपने साथ, इधर अंधेरा है थोड़ा। अब DH में पहुंच चुके हैं और सब लोग सेटल कर रहे हैं अपने आप को, देख सकते हैं पूरा DH। अभी कैडमर महाशय भी आएंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे। बाकी मेरा DH टेबल नंबर 2 है, हम लोग यहाँ बैठे हैं, वेट कर रहे हैं। ये हमारी दोस्त G11 दोस्त है, अभी G11 है हमारे दोस्त। अभी हमारी फिजियो के क्लास से DH खत्म हो गया, हम वापस से LT जा रहे हैं लेक्चर हॉल। तो हमारे लेक्चर्स अभी ख़त्म हो गए हैं और मैं वापस हॉस्टल जा रही हूँ क्योंकि 1 से 2 लंच टाइम है। तो फ़िलहाल अभी कुछ सेमिनार की बात हो रही थी, एनाटॉमी में कुछ सेमिनार प्रिपेयर करना है तो वही मैम से पूछने गए थे हम लोग, तो वो मैम ने सब एक्सप्लेन किया है। बाकी फिर अभी मैं हॉस्टल वापस आ रही हूँ क्योंकि मुझे खाना खाना है वापस। 2 बजे से फिर लैब है, 2 से 4 लैब है मेरी। आज बायोकेम लैब है, मुझे बायोकेम की एक मॉड्यूल भी कंप्लीट करनी है तो मैं सोच रही हूँ इसी ब्रेक टाइम में कर लूँ, लेकिन ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं है क्योंकि ऑलरेडी 1:30 हो रहा है। तो अभी मैं चलती हूँ। तो अब मैं रूम पे आ गई हूँ, मैं रूम खोलती हूँ मैं। हाय वो सुनने गए थे। हमारा क्या है? हमारा क्या है? फिजियो है हमारा। ला हाँ 50 to 100 फिजियो है मेरा। काफ़ी थक गया यार, ये बहुत हैवी था। ओके 51। तो अभी मैं बायोकेम का मॉड्यूल लिख रही हूँ क्योंकि अभी बायोकेम की लैब है 2 से 4, तो मुझे वहाँ पे इसको ये चेक होगी। तो मेरी कंप्लीट नहीं है, एक एक्सपेरिमेंट लिखना है मुझे, तो वो मैं कर लेती हूँ। मुझे लगेंगे आई थिंक सो 20 मिनट्स। तो अभी हमारी लैब है, हम लैब जा रहे हैं और बस 2 से 4 लैब होगी। 4 बजे के बाद फ्री, फिर सेमिनार की प्रिपरेशन करनी है। देखते हैं, चल आपके बाद मिलते हैं, बाय। 2 से 4 वाली क्लास ओवर हो गई है, लैब ख़त्म। लैब में मैनुअल चेक हुई है हमारी और वेट कर रही है तो मेरा मैनुअल चेक हुई है आज। और फिलहाल अभी हॉस्टल जा रहे हैं। मेरी फ्रेंड जो छुपके छुपके जा रही। तो मेरे रूम पे लॉक लगा हुआ है क्योंकि मेरे रूममेट अभी आई नहीं है, बट मेरे पास है चाबी तो मैं खोल सकती हूँ अपना ताला। हम लोगों ने नया ही ताला लगवाया था क्योंकि 2 चाबियाँ नहीं थी, हम लोगों ने नया ही ताला लगवाया था ताकि हमारे दोनों के पास चाबियाँ हो। ओहो, ये फ़ैन खुला छोड़ दिया था मैंने गलती से, क्योंकि जब हम हॉस्टल से गए थे फ़ैन गलती से खुला छूट गया था, क्योंकि जब हम हॉस्टल से गए थे तो लाइट नहीं थी, तो हमें पता नहीं चला कि फ़ैन ऑन है या ऑफ़ है। लाइट्स भी ऑन रह गई थी। चलो खोला, सारा चाबी रख दिया है। गर्मी, पसीना, आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। पंखे के नीचे खड़े रहते हैं। ये भी कितना धीरे चल रहा है, शायद रात में मैंने खुद ही धीरे किया था। हाँ अब तेज़ हुआ, रात में मैंने धीरे कर दिया था। अब क्या करें कि सर्दी की वजह से ना सांस फूल रही है मेरी, सर्दी की वजह से सांस फूल रही है। पहले मैं बैग रखती हूँ, बैग बहुत एक्चुअली बैग है नहीं उतना भारी, लेकिन वो क्योंकि सिर्फ उसका एक स्ट्रैप सही है, एक स्ट्रैप ख़राब है, मतलब टूट गया है, इसकी वजह से बहुत दिक्कत हो रही है उसको एक तरफ टांगने में। तो फिलहाल एप्रन उतारते हैं और मेरी अब मेरे दोस्त पास हुई और उसने देखा मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ, तो एप्रन उतारते हैं। एप्रन को अच्छे से टांगते हैं क्योंकि अगले दिन फिर पहन के जाना है, रोज़ रोज़ धुल नहीं सकते। और फिर आराम करेंगे, और फिर आराम करने के बाद मुझे अपना एक मॉड्यूल कंप्लीट करना है बस, और फिर देखते हैं क्या करना आगे।